कि हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग की दूसरी थ्योरी क्लास ले रहे हैं। पहली थ्योरी क्लास में हमने VBA के टाइप्स के बारे में सिखाया था, अब हम बात कर रहे हैं VBA की दूसरी थ्योरी क्लासेस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द स्टार्टिंग माइक्रो के बारे में, कि माइक्रो को शुरू करने से पहले आपको क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, राइट। सबसे पहला बात है कि माइक्रो फाइल माइक्रो के हैंडल करने के लिए आपके पास डेवलपर का टैब होना चाहिए। अगर आपने इससे पहले कभी माइक्रो यूज नहीं किया है तो डेवलपर टैब आपके सिस्टम में नहीं होगा, क्योंकि इसको एनेबल करना पड़ता है माइक्रो एक्सेल फाइल के अंदर ऑप्शन पे जाके, यहाँ कस्टमाइज रिबन पे जाके यहाँ से एनेबल करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास 2007 है तो आपको जनरल में ही आपको यहीं पे दिख जाएगा शो डेवलपर टाइप इन द रिबन करके, तो यहां से इसको ले सकते हैं। दूसरी चीज, माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना होगा। माइक्रो सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिए, अनेबल ऑल माइक्रोज पे क्लिक कीजिए। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेल की सेटिंग होती है डिसेबल ऑल माइक्रो विथ नोटिफिकेशन। मतलब कि इसमें क्या होगा, जब भी कोई माइक्रो फाइल आप ओपन करेंगे, प्रीतम जी क्या हुआ, बाबा ज्वाइन कर रहे हैं आप, तो आपका बाय डिफॉल्ट जो होता है वो डिसेबल होता है। तो डिसेबल होने का प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे कोई माइक्रो फाइल आप ओपन करेंगे, माइक्रो फाइल ओपन करते समय आपका जो सिस्टम है आपके फाइल को ओपन नहीं करेगा, ओपन करने से पहले पूछेगा, सिक्योरिटी वार्निंग देगा, एक अलर्ट देगा। ओके, तो एक अलर्ट देगा आपको, तो इसलिए अब जो लोग पता होंगे कि हाँ ठीक है तो ठीक है, अब मतलब कि जिन लोगों को पता होगा तो यूज अनेबल कर लेंगे, लेकिन जिनको पता नहीं होगा उसे बताना पड़ता है कि आपको अनेबल करना पड़े। तो यहाँ पे इसको अनेबल करना, बस वन टाइम करना, बार बार नहीं करना। और यहाँ आपका आता है डेवलपर माइक्रो सेटिंग ट्रस्ट एक्सेस VV। अब इसकी क्या जरूरत पड़ती है, अब आप जैसे ही एक्सेल से आउटलुक या एक्सेल से एक्सेस वगैरह पे डेटा भेजेंगे तो ट्रस्ट आउटलुक नहीं होगा, तो हर डेटा पे वो कंफर्मेशन मांगेगा आपसे, इसलिए ट्रस्ट एक्सेस और VBA पे क्लिक कर दीजिएगा, ये करना जरूरी है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी को अनेबल करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बाहर से आई हुई फाइल, मतलब कि अननोन फाइल को आप डायरेक्ट ओपन नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वायरस के साथ आपके वायरस के रूप में आपके साथ कोई माइक्रो ग्रुप में कोई वायरस आ सकता है। इसलिए ये करने के बाद डेवलपर टाइप कर सर उसको ओपन कैसे करेंगे, क्या फिर उसको ओपन कैसे करेंगे, किसको ओपन करेंगे, डायरेक्ट ओपन मत करना तो फिर कैसे ओपन करेंगे सर, उसको एक माइक्रो डिसेबल करके ओपन कर लीजिए। अच्छा, और फिर उसको देख लीजिए मॉड्यूल में जाके, कोई मॉड्यूल तो इंसर्ट नहीं है, मॉड्यूल है तो कोड देख लीजिए, कोड ट्रस्टेड है, ठीक है। बाहर से अननोन फाइल, जैसे किसी ने भेजा, अननोन पर्सन है आपका कोई, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब अगला ऑप्शन आता है आपके पास कि फाइल को सेव करना। तो हमेशा याद रखिएगा फाइल को सेव करना होता है माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। आप इसकी सेटिंग चेंज जाके कर सकते हैं, एक्सेल ऑप्शन में जाके इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि आपका फाइल डिफॉल्ट जो है यहाँ पे सेव पे जाके डिफॉल्ट आपको फाइल यहाँ पे सेव, ये सेटिंग आप कर सकते हैं। ओके,
ए करने के बाद हम जो भी माइक्रो करेंगे, यहाँ आपकी इस पर देखिए माइक्रो वाले चीज़ पे, एक तो आपका विजुअल बेसिक है, दूसरा आपका माइक्रो है, रिकॉर्ड माइक्रो है और माइक्रो सिक्योरिटी है, यूटिलिटी प्रेफरेंस इसको छोड़िए, रिकॉर्ड माइक्रो। अब रिकॉर्ड माइक्रो के बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। रिकॉर्डिंग अलाउ कर देने एक बार दोबारा वेतन जी। हाँ सर, वो एक्चुअली मैंने उसको दोबारा ज्वाइन किया है। अलाउ तो है सर। नहीं सर, मैंने दोबारा ज्वाइन किया था इसलिए। अलाउ कर, अभी अलाउ कर दिया। चलिए तो रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग माइक्रो है क्या। देखिए रिकॉर्डिंग माइक्रो कोई खास चीज नहीं है, सिंपल से, बल्कि बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होता है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो अलग है, वीवीए माइक्रो अलग है। देखिए दोनों सेम है, आप रिकॉर्डिंग करें या कोड करें, दोनों लिस्ट आपको यहीं पे दिखेगा। रिकॉर्डिंग माइक्रो क्या होता है कि जब आप इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो कहीं भी आप कुछ भी करेंगे तो उसका कोड जनरेट हो जाता है, कोड जनरेट होता है। मैं स्टॉप करता हूँ, अब इसकी माइक्रो को एडिट करता हूँ तो मैं यहाँ पहुँचूँगा रिकॉर्ड पे। तो ये जो कोड है इसी को वीवीए कहते हैं। तो आप टाइप खुद से बनाएंगे वो भी आपका इतना ही होगा और रिकॉर्ड करेंगे वो भी आपका यही होगा। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो का फीचर होता है कि आपकी जो माउस इवेंट है उसको कोड में कन्वर्ट कर देना, जो आपके माउस इवेंट है उसको कोड में कन्वर्ट कर देना, ये हमारा माइक्रो रिकॉर्ड माइक्रो का फीचर है। और कोड वही है जो वीवीए, जो हम खुद से रिकॉर्ड कोड करेंगे वही लैंग्वेज होता है। बस एक फीचर है, एक टूल्स है जो कि आपके बिहाफ पे वो माइक्रो रिकॉर्ड कर देता है। बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट दो तरह से है। अगर आप लर्निंग पर्पस से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि आपको किसी चीज़ का कोड भूल जाते हो, आपको पता करना है कि भाई आपका पता करना है कि भाई इसका मर्ज करने का कोड क्या है, तो आपने क्या किया, रिकॉर्ड किया और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे स्टॉप कर लिया और फिर आप इसके माइक्रोज में जाए और माइक्रोस को सेलेक्ट करके एडिट करें तो एडिट का आपको कोड दिख जाएगा कि भाई ए है। और इससे आप समझ सकते हैं कि मर्ज सेल इक्वल टू फॉल्स या ट्रू कर रहा होता है। सिलेक्शन डॉट मर्ज, माफ कीजिएगा ये फालतू कोड जनरेट हो गया, सिलेक्शन डॉट मर्ज, आप सिलेक्शन डॉट मर्ज करेंगे तो आपका मर्ज हो जाएगा। अब मुझे कहीं मर्ज करना है तो मैं एरिया को सिलेक्ट करूंगा और इस माइक्रो को रन कर दूंगा, तो मर्ज करने का कोड हमें पता चल गया। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक जब हम माइक्रो जब सीख लेंगे तब क्या इसका कोई यूज नहीं है? अब यहां पे भी एक सवाल आता है कि क्या हम माइक्रो अगर सीख लेंगे तो इसका कोई यूज नहीं है? जी हाँ, इसका उसके बाद भी यूज है। जैसे मैं भी बराबर करता हूं, कुछ ऐसा काम है जिसको मुझे बार बार करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पिवट टेबल पे यूज कर रहा हूं, मैं एक डेटा ओपन करता हूं, पहले डेटा ओपन करना क्या बड़ा ही पता हुआ डेटा।
सर मैं डेटा बनाया हूँ, चाहिए सर। एक चीज पूछना था, ये ऑटो फिट का शॉर्टकट होता है क्या कोई? नहीं होगा तो लिस्ट में देख लीजिए, मैं कभी यूज किया नहीं सर, क्योंकि मैं शॉर्टकट काफी टाइम से यूज नहीं कर रहा हूँ। डेटा है हमारे पास, सिंपल सा डेटा हमने बना लिया, एक सेल्स का डेटा समझ लीजिए। अब मुझे क्या करना है कि इस डेटा के ऊपर पिवट लगाना है, मुझे इस डेटा के ऊपर पिवट लगाना है, इंसर्ट पिवट टेबल देन ओके। और यहां हमने क्या किया, तो उसके लिए पिवट टेबल लगाने से पहले मुझे इसके लिए एक करना पड़ेगा, पहले रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और मुझे इसे पिवट टेबल पे कुछ और भी किए करने होते हैं। एक बार देखिए मैं बताता हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले माइक्रो को यहाँ से हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड माइक्रो किया, उसके बाद डेटा पे गए, कर्सर रखें और यहाँ से हमने यहाँ से इंसर्ट में गए, पिवट टेबल पे क्लिक किया एंड ओके कर दिया, पिवट टेबल लग गया हमारा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मुझे नेम वाइज मुझे प्रोडक्ट वाइज नेम वाइज प्रोडक्ट रहने दीजिए, नेम वाइज सिटी वाइज और यहां हमने पे रख दिया अमाउंट, इसका टोटल हमने निकाला होगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट को हमें फिल्टर में रखना है, ठीक है, प्रोडक्ट को हमें फिल्टर में रखना। अब मैं यहीं पे यहाँ पे ये करता हूँ, उसके बाद अब ये पिवट हमारा बना हमारा पिवट। अब मुझे हर बार क्या करना है कि जैसे मुझे अगर प्रोडक्ट आता है एमबी आया, तो मुझे यहाँ एमबी को सिलेक्ट करना है, ओके करना है,
फिर राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी करना है, और फिर इसमें नई वर्कबुक में जाना है, क्रिएट कॉपी करना है, और हमें फाइल को सेव कर देना है। यहाँ कौन सा है, एमबी है, एमबी को सेव करना है एक लोकेशन में, जैसे कि मुझे हेलो जी, हेलो हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ नीरज जी। हाँ सर, सर ये हम अभी क्या कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग माइक्रो, ओके रिकॉर्डिंग, अच्छा हम टेबल पर टेबल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ पेपर टेबल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और समझा रहे हैं। ओके सर, ओके, और फिर हमने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। ओके अब मैं अब इस कोड मेरा वर्क नहीं करेगा, इसमें कुछ खामियां हैं, चलिए इन खामियों को हम दूर करते हैं अपने इसमें, राइट। सबसे पहले यहाँ देखिए सीट डॉट ऐड हो रहा है, सीट डॉट ऐड हुआ, और जो सीट ऐड हुआ है उसका नाम सीट फाइव हो, एक जरूरी तो नहीं है, सर एक बार फिर से बता दीजिएगा वो फाइव टेबल को समझने के लिए क्या चाहिए। पिवट टेबल तो आपको आता ही होगा बनाने, नहीं नहीं वो पिवट टेबल नहीं, वो जो आप कह रहे थे ऐड करना, वो क्या ऐड करना, वो सर आपने जो ऐड किया था ना शीट में एमबी, वो देख नहीं पाया मैं, हमने जस्ट पिवट टेबल लगाया है, ये तो एक पिवट टेबल लगाया है, बस पिवट टेबल में एक रिपोर्ट बनाई है, देखिए एक बार देख लीजिए कोड को, पहले फाइनल करता हूँ फिर समझिए। एक शीट ऐड हुआ, हर बार शीट फाइव ऐड होगा उसकी गारंटी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक्टिव शीट में डॉट नेम, और नेम में हमने दे दिया मान लीजिए रिपोर्ट, ठीक है, तो इसका नेम हमने क्या रख दिया, रिपोर्ट रख दिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि शीट फाइव के जगह पे इसको रिपोर्ट कर देते हैं, फिक्स है हमारा, राइट। अब यहाँ पे पिवट टेबल टू आपको दिख रहा है, तो हर बार पिवट टेबल टू ही बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। दूसरी चीज ये आपका डेटा फिक्स नहीं है, रेंज फिक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस पे डेटा सोर्स पे मैं जस्ट यहाँ पे ए वन दे देता हूँ, रेंज सॉरी सीट, सीट के साथ देना होगा ना, सीट्स, सीट में हमारा सीट वन डॉट रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन, करेंट रीजन की स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है, ये हमारा फिक्स हो गया, यहाँ पे बाद सीट फाइव डॉट सेलेक्ट, नहीं सीट फाइव डॉट सेलेक्ट ही करना है, और सेल्स डॉट सेलेक्ट इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे आता है एक्टिव पिवट, एक्टिव पिवट टेबल कॉलम वर्ड ट्रू, अभी बहुत सारे चीज दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे दिख रहा है पेज ऑर्डर फाइल ऑर्डर,
रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पिवट टेबल कैश रिफ्रेश फाइल। सर इसको समझने का ऐसे तरीका है या फिर थोड़ा मैं आपको पहले अभी अभी मैं समझा रहा हूँ कि आखिर मैं कैसे यूज करूँगा एक रिकॉर्डेड मैंने रिकॉर्डिंग माइक्रो का। मैंने बताया एक मेरा लर्निंग बताया, दूसरा कि जब आप जाएंगे तो कैसे यूज करेंगे। दिक्कत ये सर की कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ से वोट कर रहे हो। एक मिनट दे दीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बस जहाँ सीट फाइव है ना उसका हम चेंज कर देते हैं। आप देखिए सीट फाइव को हमने चेंज कर दिया पेस्ट, कॉपी की जगह मैं मूव कर देता हूँ और यहाँ ये हमारा सेव है। मेरा फाइल माइक्रो है एक बार इसमें रन करूंगा तो एक बार रन करने से पहले मुझे फाइल क्लियर करने होंगे। तो घर में तो जब रिकॉर्ड आप माइक्रो करते हैं तो रिकॉर्ड माइक्रो करने के बाद डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर लेंगे। ये जो एग्जांपल समझाने का जो है यही है कि आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पोर्ट्स होते हैं जो कि डायरेक्ट यूज नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि सीट फाइव हमेशा ऐड थोड़ी होगा, ऐसी रेंज हुआ तो उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। मॉडिफिकेशन करने के बाद हम उस माइक्रो को दोबारा रन कर सकते हैं। रन हुआ, अब जाके देखिए फाइल में यहाँ इसमें लोकेशंस में एमबी नाम का फाइल बन गया होगा। गया तो अब देखिए क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने एक बार माइक्रो को रिकॉर्ड किया, फालतू के जो कोड थे उसको डिलीट किया और कुछ कोड को हमने ऐड किया। जैसे कि देखिए सीट हमने सीट ऐड हुआ, सीट का नाम दे दिया रिपोर्ट, राइट, सीट का नाम क्या दे दिया रिपोर्ट दे दिया। तो क्योंकि हमेशा सीट वन हो इसकी गारंटी तो है नहीं, इसलिए सीट का नाम हमने रिपोर्ट दे दिया। फिर बाकी जो चीज़ें थी इसमें हमने उस यहाँ पे क्या हुआ कि डेटा यहाँ पे रेंज हमारा फिक्स नहीं फिक्स था, आपने देखा था कि शुरुआत में जब हमने किया था तो ये पूरा फिक्स लिया था। तो हमने क्या बोल दिया कि भाई कंट्रोल ए कर ले, कंट्रोल ए करने का जो कोड होता है वो करेंट रीजन होता है, सीट वन के ए वन से करेंट रीजन कर दिया। बाकी जो चीज़ था जैसा था यहाँ पे हमने सीट फाइव को जगह पे सीट वन डाल दिया, कुछ फालतू के कोड थे उसको हटा दिया। अभी ये मेरा पिवट बिल्कुल वर्क कर रहा है। इसके बाद कुछ कोड फालतू थे, अब कौन कौन से कोड फालतू है जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, आप पढ़ सकते हैं किसकी ज़रूरत है किसकी ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि सीट फाइव हमारे पास नहीं था, हमने सीट फाइव पे रिपोर्ट कर दिया, हमने यहाँ डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे दिख रहा है एमबी, एमबी को फिल्टर कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक्टिव शीट और पिवट टेबल, पिवट फील्ड, प्रोडक्ट, करेंट पेज, एमबी। तो पिवट टेबल जो हम लगाते हैं तो पिवट टेबल में जो हम ऊपर फील्ड देते हैं उसमें एमबी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से यहां पे और यहां हमने फाइल नेम भी एमबी दिया हुआ है, ये बिल्कुल फिक्स है। मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से हो, मैं जो चाहूं सो करें। तो यहां पे आप एक इनपुट बॉक्स डाल दीजिए कि पी इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहां पे दे दिया कि प्लीज एंटर प्रोडक्ट। उसके बाद जहां जहां मुझे एमबी चाहिए मैं वहां वहां पी लगा दूंगा, यहां भी चाहिए तो यहां भी मैंने पी के साथ कंबाइन कर दिया। तो पी क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में आप एक्स वाई जेड, उसी तरह से मैं यहां पे एबीसीडी ले सकता हूं, पी फॉर प्रोडक्ट। तो जो इनपुट बॉक्स में, जो इनपुट बॉक्स मतलब मना ये क्या करेगा कि आपको रन करते समय आपको एक पॉपअप देगा, पूछेगा कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। तो हमने बोला कि मुझे इस बार चाहिए एचडी, एचडी हमने ओके किया और इसने एचडी का पिवट टेबल बनाया और एचडी एक फाइल को लिया और मेरे इस लोकेशन में सेव कर दिया। तो
सेव, यहाँ देखा आपने सेव, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो के दो यूज है। पहला यूज है लर्निंग के लिए, जैसे कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपको पिवट टेबल का कोड पता नहीं था, तो आपने पिवट टेबल लगाया और कोड देख लिया कि पिवट टेबल का कोड ए होता है कि एक्टिव पिवट टेबल पिवट कैच क्रिएट डेटाबेस है। सो डेटा सोर्स, डेटा का सोर्स अगर उसने खुद ले लिया है, आप चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। वर्जन सिक्स इज द सेम रहता है, क्रिएट पिवट टेबल, डेस्टिनेशन मतलब कि पिवट टेबल कहाँ लगेगा, पिवट टेबल नेम, हर पिवट टेबल का एक नाम होता है, जब उसका नाम क्या है पिवट टेबल का। आप यहाँ जाएंगे पिवट टेबल पे, यहाँ पिवट टेबल टू दिख रहा होगा, हर पिवट टेबल का एक नाम होता है। तो यहाँ पे पिवट टेबल नेम और डिफॉल्ट वर्जन सिक्स हो गया। इस कोड में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना सर? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। क्या अभी अभी जो मैंने ये सेव किया है, ठीक है, एक्टिव वर्कबुक जो हमारा एड्रेस है, वो मैं चाहता हूँ कि आज का डेट एक फोल्डर बने और उसमें जाकर वो सेव हो। हाँ तो मेक डायरी का फोल्डर बनाना पड़ेगा, तो उसको यहाँ से ये एक्टिव वर्कबुक सेव एज जो एड्रेस दिया यहां, उसको ये यहाँ नहीं करना होगा, ये यहाँ से होगा, सेव यहाँ हो रहा है सर। जी इसलिए बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पे आपको एम के डायरेक्टरी, नीरज जी बोल रहे हैं ना सर? नहीं महताब बोल रहा हूँ सर। अच्छा तो यहाँ एम के डी आई आर का फोल्डर, पर एम के डी आई आर, डी आई आर हो गया। अब यहाँ पता डाल दीजिए कि आपको कहाँ फोल्डर बनाना है। यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, बोलते कि आज के डेट के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको आज का डेट लेना पड़ेगा। तो आज का डेट है तो डेट फॉर्मेट में, क्योंकि फोल्डर नेम में स्लैश तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट कर दीजिए, फॉर्मेट में यहाँ आप दे दीजिए डेट और कॉमा, कौन सा फॉर्मेट, तो /mmm/yy हो गया। आज का डेट का फोल्डर बना देगा। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा पे क्लोज करना होगा, या करेंट डेट का फोल्डर बना देगा। अब सेम पाथ आप सेव के भी देना पड़ेगा आपको, जो सेम पाथ है आपका, ये सेम पाथ आपको सेव करते समय भी देना पड़ेगा कि फाइल आपका कहाँ सेव कर रहा है। अब ये रन करूँगा तो एक आज के डेट का फोल्डर बना के सेव कर देगा। ये बटन करके दिखाता हूँ आपको, रन, मुझे कौन सा प्रोडक्ट, मुझे यहाँ पे इसको रन किया, मुझे कौन सा चाहिए, तो मुझे चाहिए रैम का, रैम दिया एंड ओके। तो आप देखिए आज के डेट का फोल्डर बन गया। इसके अंदर तो चीजें तो करने से है, तो ये बताने का पर्पस ये है मेहताब जी है सिंह बी सिंह जी, कि जब आप माइक्रो को जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी कोड जनरेट हो, तो उस कोड को सीखने की कोशिश की। जैसे इसी कोड को ले लीजिए, अब मान लीजिए दोबारा, एक्चुअली मैं आपको माइक्रो दोबारा से मैं बना के दिखाता हूँ पिवट, हमने पिवट दोबारा से रिकॉर्ड करता हूँ। देखिए हमने रिकॉर्ड माइक्रो रिकॉर्डिंग शुरू किया, हम डेटा को सिलेक्ट किए और हमने एक पिवट को इंसर्ट किया, पिवट इंसर्ट किया, एक नई वर्कशीट। अब यहां इसका कोड क्या बना एक बार देखिए, इसका कोड क्या बना, यहां बना, यहां पे एक्टिव वर्कबुक डॉट पिवट कैच क्रिएट, डेटा सोर्स हमारा ये रहा, वर्जन ये रहा, डेटा का डेस्टिनेशन ये रहा। तो जो बाकी जो चीजें बनी है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट ट्रू फॉल्स ही होता है, या आपका डिफॉल्ट ट्रू फॉल्स ही होता है। अब प्रॉब्लम है कि इसने सीट ऐड किया फिर पिवट बनाया, तो सीट कौन सा ऐड हुआ, सीट 9 ऐड हुआ। अब यहीं पे एक दिक्कत होती है सर, कि सीट 9 हमेशा फिक्स तो नहीं होगा, तो इसी को थोड़ा सा अब ऑटोमेट करना होगा। जैसे कि यहां हमने किया है कि हमने सीट का नाम दे दिया रिपोर्ट और डेटा का डेस्टिनेशन डाल दिया रिपोर्ट,
बाकी सब कुछ सेम है। फिर यहाँ पे आपका ओरिजिन फिक्स है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये करंट रीजन डाल दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए कि हमने नेम को रखा है रो में, हमने सिटी को रखा है कॉलन में, हमने इसका अमाउंट का रखा है सम का, हम अमाउंट को सम रखे हैं, सम किए हैं, फिर हमने इसको प्रोडक्ट का पेज फिल्टर में रखे हैं। तो ये सब तो पिवट जैसे जैसे अप्लाई करेंगे देखते जाएंगे पता चल जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको अभी पिवट लगाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज क्या है। तो पहली यूज हमने बोला कि लर्निंग के लिए, जैसे आपको पिवट टेबल की माइक्रो नहीं आ रही है लिखने, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो और फिर उसको कोड को समझो, मॉडिफिकेशन कर लो थोड़ी बहुत, ऐसी फिल्टर की, ऐसे ही आपकी चार्ट की, ऐसी बहुत सारे ऑप्शन है जिसकी आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम ये करते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम सर इसका मतलब तो फिर जो हम वर्क करते हैं एक्सेल शीट में वो सारा वर्किंग समझना पड़ेगा पहले। हाँ उसको कोड, हाँ फिर काम कर सकते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा। आप जब इंग्लिश सीखने गए थे तो पहले आपने शुरुआत में समझ गए, पहले और जो काम कर रखे हैं पहले उसको समझना पड़ेगा। सिंपल सी एक बात बताइए, जब आप इंग्लिश सीखने गए थे तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग याद किया था ना? जी सर, वर्ड पावर था, चाहे हिंदी सीखे चाहे कोई भी वर्ड सीखे। मेरी बेटी 2 साल की है, उसको हम वर्ड सिखा रहे हैं तो पहले वो वर्ड को स्टोर कर रही है, फिर वर्ड से सेंटेंस बनाएगी, फिर सेंटेंस से पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ से पेज और पेज से बुक। तो यही आपको ये हुआ कि किसका क्या कोड है, इट इज योर वर्ड मीनिंग, उसको सीखना हो फिर उसको सिक्वेंसली अरेंज करेंगे तब जाके आपका ये लाइन ऑफ कमांड बनेगा और आपका काम होगा। तो इसमें रिकॉर्डिंग जो एक्सेल के फील्ड है वो आपको देखिए उसमें क्या होगा कि आपको बताते जाएगा और आप उस करते जाइएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे रेंज को सिलेक्ट करना है तो हमें रेंज से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एड्रेस देना है। एड्रेस देने के बाद यहाँ पे अपना बता देगा कि मुझे एक्टिवेट करना है या वैल्यू करना है, वो बस आपको सिलेक्ट करते रहना है, या मुझे करेंट रीजन अप्लाई करना है तो पता होना चाहिए कंट्रोल ए के लिए करेंट रीजन होता है। और मोस्टली जो है एक्सेल का ही पार्ट होता है, जैसे कॉपी पेस्ट याद है पिवट कैच लिख किया, तो आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो पिवट टेबल का 2 यूज है, लर्निंग पर्पज से, और दूसरा कि अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, हम लोग भी रिकॉर्डिंग का यूज करते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल देखिए कि हमने एक प्रोग्राम यहाँ बना लिया, हमने कुछ लाइन ऐड किए कुछ लाइन डिलीट किए और अब माइक्रो हो गया, नहीं तो मुझे सारा कोड मैन्युअली टाइप करना पड़ता ना सर। इसका मतलब सर हमें पहले से थोड़ा कुछ आना चाहिए इसमें वीवीए में भी, तब नहीं वीवीए में आपको ये सारे जो चीजें हैं मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग माइक्रो को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, रिकॉर्डिंग माइक्रो भी आपके लर्निंग सपोर्ट टूल्स है और आगे चल के भी सपोर्ट टूल्स की तरह काम आएंगे, ठीक है। पहले से थोड़ा बहुत आता है तो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं आता है थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे जैसे एक्सेल में थोड़ा आता था तब आपकी क्लास समझ में आती है, नहीं तो कोई जो पूरा बिगिनर होगा उसके लिए वीवीए सीखने के लिए आपको एक्सेल की नॉलेज ठीक ठाक होनी चाहिए, ये तो मैंने पहले ही बोला था। नहीं जो बिगिनर्स जो एक्सेल में बिगिनर्स है उसमें तो आपको दिक्कत आएगा आप क्लास लेने में, पहले से एक्सेल आता है वो बिगिनर्स के लिए वीवीए है ही नहीं सर, बिगिनर्स के लिए वीवीए है ही नहीं। अब जैसे मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ, एक्सेल में मैं अगर बिगिनर होता तो आपकी क्लास नहीं समझ में आती, कुछ आता है तो वो समझ में आया। वैसे मैं वीवीए के लिए भी कह रहा हूँ कि अगर हम उसको भी अगर थोड़ा आएगा तो ही क्लास समझ में आएगी, या फिर बिल्कुल बिगिनर्स के लिए आप करवा रहे हैं। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करें, रिकॉर्डिंग माइक्रो को रिकॉर्ड करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, कल हम आपके साथ स्टार्ट करें, कल एक और थ्योरी क्लास होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में, कि माइक्रो टाइप कितने का है, कौन सा टाइप कब यूज होता है, एडिंस क्या है, एडिंस का क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद वापस हम स्टार्ट करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट, लाइन ऑफ कोड, मतलब कि कोड क्या है,
हमने अभी रेंज क्यों लगाया, करेंट रीजन क्यों लगाया, डॉट वैल्यू क्यों लगाया, एक्टिव वर्कबुक क्यों लगा, इसके जगह पर और क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा सर।